गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? हेलो, आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होगे, चीज़ों को रिवाइज कर रहे होगे और चीज़ों को पढ़ भी रहे होगे। हम लोग फ्रेंड्स एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट जीएस पढ़ रहे थे, प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी के लिए और अदर आल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हमने दो टॉपिक को कवर कर दिया था पूरी तरीके से, एक पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल। अब हम उस टॉपिक का लास्ट टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, उच्च पूर्व पाषाण काल। हमने आपको पहले दिन बताया था कि पाषाण काल को डिवीजन मैंने किया था। पाषाण काल को हमने बताया था कि तीन अवस्थाएँ, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर हमने डिवाइड किया था पूर्व पाषाण काल को पूर्व पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। हमने सबका टाइम निर्धारित किया था, सबकी विशेषता स्थान स्थल को बता दिया था। अब हम चल रहे हैं उच्च पूर्व पाषाण काल पढ़ने। उच्च पूर्व पाषाण काल कितने टाइम तक का है? 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम है। इसके पहले आप देखे होंगे कि जो मध्य पूर्व पाषाण काल था उसका टाइम, पूर्व पूर्व पाषाण का टाइम हमने आपको शुरू में बताया था कि 25,00,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पूर्व पाषाण युग है। और इसके बाद मध्य पूर्व पाषाण 9,00,000 से 40,000, फिर उच्च पूर्व पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद इसकी विशेषता क्या है, आखिर ये किस इसकी संस्कृति की, जो उच्च पूर्व पाषाण काल है इसकी संस्कृति की विशेषता क्या है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पूर्व पाषाण काल पढ़ रहे थे, उसी तरीके से इसकी विशेषता भी हम लोग देखेंगे। इसकी विशेषता हमने आपको शुरू में बताया था पूर्व पूर्व पाषाण काल में कि उस समय धरती नई नई बनी थी, इंसान की शुरुआत हो रही थी और जब इंसान बनना शुरू हुए इस पृथ्वी पर, आदिमानव हमारे जो पूर्वज थे, उस समय धरती आग का गोला थी। धीरे धीरे लाख दर लाख साल परिवर्तित होते समय ये जो उसकी जलवायु थी वो धीरे 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 अनुकूल होने लगी। अनुकूल होने का मतलब इंसान होमियोस्टेटिक अवस्था में रहता है, इसका मतलब हो गया कि वो संतुलित अवस्था में रहता है, ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडी। तो जब अग्नि का गोला यानी पृथ्वी अग्नि का गोला थी तो उस समय बहुत तेज गर्मी थी, करोड़ों वर्ष बारिश हुई, बारिश के चलते पृथ्वी क्या हुई, धीरे 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 महासागर सागर बने, इस हिसाब से फिर ठंडी आती गई। हमने इस टॉपिक को बताया था किसमें, मध्य पूर्व पाषाण काल में, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। तो इसकी आर्द्रता क्या थी, कम हो गई। आर्द्रता का मतलब होता है वायु में नमी की मात्रा ही आर्द्रता कहलाती है। ज्योग्राफी में आप पढ़ते होंगे वायु में ह्यूमिडिटी कितनी मात्रा में, अगर कम है तो आर्द्रता कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है। तो इस समय वायु में जो नमी थी वो कम हो गई, यानी कि आर्द्रता कम हो गई। इस समय इसकी जो विशेषता थी वो क्या थी, मेन नए चकमक उद्योग की स्थापना। नए चकमक उद्योग का मतलब क्या था, इससे क्या आशय है? इसका आशय पूर्व पूर्व पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल में एक ही उद्योग था और उद्योगों में परिवर्तन होता गया। उद्योग क्या था, पाषाणिक पत्थर, पहले पाषाणिक पत्थर था। पूर्व पूर्व पाषाण काल में जो मानवीय संस्कृति आपने पढ़ा है उसमें देखे होंगे कि जो पाषाणिक मानव थे उनका जीवन कैसा था, खाना, शिकार करना, खेटक। धीरे 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 परिवर्तन आया, हथियारों का उत्पन्न होना शुरू हुआ, निर्माण करना शुरू हुआ, हथियार यूज होना शुरू हुआ। यूज होने का मतलब कि कैसे उसको यूज किया जाए जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए और शिकार के लिए। इस हिसाब से मध्य पूर्व पाषाण काल में उसमें चेंजबिलिटी आई, छोटे छोटे हथियार बनने लगे, हड्डी के हथियार बनने लगे। फिर उच्च पूर्व पाषाण काल जब आया जिसका टाइम इतना है 40,000 से 10,000, तो वहाँ पर नए चकमक उद्योग की स्थापना हुई। चकमक का मतलब होता है नए नए तरीके के औजार, नए नए तरह के अन्य औजार। पाषाणिक उपकरण के अलावा और भी हथियार आने लगे, जैसे आप कह सकते हैं कि हड्डी के जो औजार थे वो मध्य पूर्व पाषाण काल से इससे और परिवर्तन आया। मध्य पूर्व पाषाण काल में उनकी लंबाई
अगर 10 थी, 10 सेंटीमीटर थी, तो उच्च पूर्वापाषाण काल में आकर के 5 सेंटीमीटर हो गई, हार्पून आ गए, मत्स्यमाला आ गई, सुई जैसे हथियार आ गए। तो इस हिसाब से सुई का मतलब लौह की सुई नहीं, हड्डी की ही पतली पतली जो औजार थे वो। ये था नई चकमक उद्योग की स्थापना। दूसरा, तीसरा है आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। आप देखते आ रहे होंगे पूर्व पाषाण काल में कौन सा मानव था, फिर मध्य पूर्व पाषाण काल में आपने पढ़ा नियंडरस्थल मानव, जो कि जर्मनी, उसका जर्मनी में एक स्थान है नियंडर, वहाँ पर मध्य पूर्व पाषाण काल के मानव की संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं, इसलिए उस मानव को, मतलब कि नियंडरस्थल मानव को मध्य पूर्व पाषाण काल का प्रतिनिधिकर्ता माना जाता है। फिर मध्य पूर्व पाषाण काल के मानव के बाद आप जब उच्च पूर्व पाषाण काल देखेंगे तो यहाँ पर होमो सेपियंस का उदय है। तो ऐसा नहीं है कि होमो सेपियंस एकाएक आके प्रकट हो गया या नियंडर एकाएक आके प्रकट हो गया, इन सब की जो पूर्वज थे पूर्व पूर्व पाषाण काल में ही आपको मिलेंगे। तो होता क्या है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर वी कैन इमेजिन, अगर हम ये इमेजिन करें कि हम इस समय पूर्व पाषाण काल युग में हैं, तो वहाँ पर जो मानव हैं हम ही हैं, फिर हमारे अंदर कुछ डीएनए चेंज हुआ, कुछ आनुवंशिक गुण चेंज हुआ, कुछ हम, ये भीतरी गुण है, कुछ हम बाहरी परिवर्तन से सीखते हैं, बाहरी वातावरण से सीखते हैं, सीखते सीखते हमारी जो क्रियाकलाप हैं वो हमारे आत्मसात होते गए, अंतर में घुसते गए, हमारी जो अंतर की क्रियाविधि है वो सब चेंज बिल्ट हो गई, चेंज हो गई। तो इस हिसाब से क्या होता है, इंसान के गुण बदल जाते हैं। तो बदलते बदलते बदल जब, और ऐसा है नहीं कि एक दिन या दो दिन, अब आप सोचिए 25 लाख ईसा पूर्व से आकर के 40 हजार ईसा पूर्व, तो कितना, 25 लाख साल बीत गए, 24 लाख 60 हजार साल बीत गए, तब जा करके आधुनिक होमो सेपियंस आया। यानी परिवर्तन पे परिवर्तन, परिवर्तन पे परिवर्तन। जैसे आप कोई पहली बार जब एग्जाम में लिखना शुरू करते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपको प्रश्न दे दिया गया, पूर्व पूर्व पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल तक की संस्कृति का विश्लेषणात्मक विवेचन कीजिए, तो जब आप बीए में, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, तो आप सीधा कुछ नहीं करेंगे, सीधा पूर्व पाषाण काल एक मानव लिख देंगे, औजार लिख देंगे, हथियार लिख देंगे, दो चार स्थल डाल देंगे और आपको पास भी कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में जाएंगे, मेंस देंगे, तो आपको 6 महीना साल भर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसमें हम क्या डालें, उसमें आप अगर एक लाइन लिखते हैं तो उसका कारण लिखना पड़ता है, ऐसा क्यों हुआ। वहाँ पर बहकाने की या हवा हवाई कुछ नहीं चलता, रटंत विद्या नहीं चलती, वहाँ पर आपने जो लिखा है उसका विश्लेषण कीजिए। तो इसको करने में आप जो है 6 महीना से साल भर की प्रैक्टिस होती है, तब आप जा करके राइटिंग आपकी कवरेज होती है। तो इसी हिसाब से जब आप एक पैराग्राफ, लड़के आईएएस बन जाते हैं लेकिन उनको पैरा कैसे शुरुआत करना होता है, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी मुश्किल पैरा को लेकर के होती है, वो भी हम कवर करेंगे, वो पैरा नहीं बना पाते, पैराग्राफ चेंज नहीं कर पाते, जो लिखना है उसका हेडिंग नहीं डाल पाते, हेडिंग का मतलब कि परिचय नहीं डाल पाते। तो इस हिसाब से परिवर्तन होता है धीरे 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 धीरे, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ें आपकी हैबिट में आ जाती हैं। तो इसी हिसाब से पूर्व पाषाण काल से जब 2500 लाख साल तक क्रियाविधि में परिवर्तन हुआ, तो ये सब चीज़ें आकर के आधुनिक जो होमो सेपियंस है, मानव होमो सेपियंस, वो आपको उच्च पूर्व पाषाण काल में पूरी तरीके से देखने को मिलेगा, यद्यपि यहाँ भी पूरा नहीं है, वो आगे आपको दिखाई देगा। इसके पहले हमने जो मध्य पूर्व पाषाण काल पढ़ाया था वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की थी। तो इस हिसाब से ये उसकी विशेषता थी। अब रोड़ी मलबे, इसकी जो उच्च पूर्व पाषाण की महत्वपूर्ण खोज थी वो क्या थी। हर एक युग की एक महत्वपूर्ण खोज होती है, जैसे मध्य पूर्व पाषाण काल की खोज क्या थी, नियंडरस्थल मानव। पूर्व पूर्व पाषाण काल की खोज क्या थी, अग्नि का खोज, किंतु उसके प्रयोग से परिचित नहीं थे। आप नोट्स में लिखे होंगे, रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ उच्च पूर्व पाषाण काल में जो खोज थी, रोड़ी मलबा ढोका चिनाई से बना 85 सेंटीमीटर वाला स्थूल रूप से गोलाकार चबूतरा, ये आपका गोलाकार चबूतरा है, ये जो चबूतरा है ये 85 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन ये चबूतरा जैसे आज के चबूतरे बनते हैं बैठने के लिए, वैसे ये भी था। रोड़ी मलबा, रोड़ी मलबा जैसे आप आज सीमेंट और गिट्टी का प्रयोग करते हैं, उस हिसाब से उसकी
ये उसका जो मटेरियल था ये था, रोड़ी मलबा ढोका चिनाई, जैसे सीमेंट और बालू होता है वैसे ये भी होता है, रोड़ी मलबा से बना हुआ 85 सेंटीमीटर का चबूतरा था। अब आप सोचिए आज आप चबूतरा बनाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? 25 लाख ईसा पूर्व पहले हुई थी, या 40 हजार ईसा पूर्व पहले हुई थी। 40 हजार ईसा पूर्व, आज से 40 हजार साल पहले चबूतरा बना था। जो आप आज बनाते हैं वो पहले भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन उसका उसको लोग जानते नहीं थे, आज वो अध्ययन में आया है। तो ये था, हमने आपको एक चीज़ बताया था उपकरण। उपकरण को शुरुआत से हम लेके चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उपकरण ही युगों को डिवाइड का आधार बना। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो पाषाणिक संस्कृति है, पूर्व पाषाण से लेकर के नव पाषाण तक, उसके उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसके उपकरण है। उपकरण का मतलब क्या हुआ? को जो विभाजन का आधार है, एक तो जलवायु परिवर्तन और दूसरा इस काल के उपकरण। पूर्व पूरा पाषाण में उपकरण कुछ थे, मध्य पूरा पाष पूर्व पूरा पाषाण काल में केवल पत्थर के उपकरण थे, भारी भरकम थे। दूसरा, जब मध्य पूरा पाषाण काल आया तो वहाँ पे हथियार कुछ छोटे होने लगे, बदलाव आ गया, पत्थर का प्रयोग दूसरा होने लगा, हड्डी के हथियार आने लगे मैक्सिमम। और जब उच्च पूरा पाषाण काल आया, उच्च पूरा पाषाण काल में आपको नए चकमक उद्योग की स्थापना, स्थापना का मतलब नए चकमक उद्योग दिखाएंगे। ये चकमक उद्योग का संबंध पाषाणिक उपकरण से है। अब पाषाणिक उपकरण में क्या, जब आर्द्रता कम हो गई है तो पाषाण बदलेंगे। जैसे इनका पहला जो उपकरण था ब्लेड था, ब्लेड जो है वो पतला सकरा आकार का होता है, इसका दोनों किनारा समानांतर होता है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से दूनी होती है। जैसे ये पतला हो गया ब्लेड, ठीक है, ये पाषाणिक उपकरण है, एक पाषाणिक फलक है, ये पतला है, सकरा है, इसकी जो लंबाई है, लंबाई मान लो कि अगर 4 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगी लंबाई, और इसका दोनों जो किनारा है ये देखिए समानांतर है, ये इसको ब्लेड कहते हैं। ब्लेड क्या होता है? दोनों किनारे जिसके समानांतर हों, जिसकी लंबाई अपनी चौड़ाई से दुगनी हो, और जो पतला और सकरा आकार का हो, वो ब्लेड कहा जाता है। इसके अलावा तपछड़ी और खुरचनी की संख्या में वृद्धि हुई, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। स्क्रैपर यानी खुरचनी, उसका किनारा क्या होता है? समतल। तो इस हिसाब से आप वहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ होगा, तपछड़ी और खुरचनी की संख्या में वृद्धि होने लगी, नए अस्थि उपकरण का अत्यधिक उपयोग होने लगा। ये जो अस्थि उपकरण है, अस्थि का मतलब हड्डी का उपयोग, हड्डी का उपयोग शुरुआत कहाँ से हुआ, कुछ चिन्ह इसके कहाँ दिखाई देते हैं? मध्य पूर्व पाषाण काल में। तो हड्डी का उपयोग क्या होता है? हड्डी का जो उपयोग है वो अत्यधिक होने लगता है। एक एक युग होता है कि उसको शुरुआत किया जाए, शुरुआत में संक्रमणकालीन अवस्था होती है, धीरे 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 प्रयोग पे प्रयोग होते रहते हैं। जैसे कोई लड़का जब नया नया साइकिल चलाना सीखता है तो सबसे पहले कैंची साइकिल चलाता है, इसके बाद वो हजारों सैकड़ों बार गिरता है, लेकिन उसको गिरने का दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो खुशी रहता है, उसका उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है कि हम कोई साइकिल सीख जाए और भगाएं। सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है, गिरेगा, चोट लगेगी, घर पे मार खाएगा, लेकिन वो चूकता नहीं है, सीखता है, सीखता है। 6 महीने जाते जाते वो गद्दी चलाना सीख लेता है, फिर आगे 6 महीने जाते जाते वो रफ्तार में शामिल हो जाता है। इसी तरीके से जो हथियार आते हैं, शुरू में कुछ परिवर्तन होंगे, थोड़ी दूर तक मार करेंगे, मोटे होंगे, पतले होंगे, अनुकूल नहीं होंगे, फिर उसमें परिवर्तन आएगा, प्रयोग किया जाएगा, वो हमारे अनुकूल बन जाएंगे। तो ये जो हड्डियों का प्रयोग है, ये जो अस्थि उपकरण का उपयोग, ये अस्थि उपकरण तो मध्य पूरा पाषाण काल में भी थे, तो इनका उपयोग अत्यधिक होने लगा। तीस चौथा है मत्स्यमाला। अभी हमने बताया कि मत्स्यमाला में हारपून तथा सुई जैसे कुछ औजारों की खोज हुई है। अब हारपून एक अलग किस्म का औजार होता है, सुई, सुई आप आज की जो सुई होगी वो देखते होंगे लोहे की बनी होती है या स्टील की बनी होती है, लेकिन तब की जो सुई थी, तब तो कोई लौह युग था नहीं, कोई कारखाना था नहीं, तब जो सुई थी वो पत्थर का ही बनाते थे। इतनी वो प्रवीण हो चुके थे कि पत्थरों को कटाई छटाई कर करके सुई जैसा मिलता हुआ आकार का बना देते थे। अब एकदम से नहीं था कि एकदम पतला पत्थर, क्योंकि इतना पतला पत्थर तो टूट जाएगा, तो थोड़ा मोटा ही होता था, लेकिन सुई के आकार का था।
हारपून था, मत्स्यमाला इसी को कहा जाता है, मत्स्यमाला, हारपून तथा सुई जैसे कुछ औजारों का प्रयोग होता था। तो ये आपका क्या हो गया, उच्च पुरापाषाण काल हो गया। अब उच्च पुरापाषाण काल की विशेषता हो गई, इसकी मानवीय संस्कृति हो गई। अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल। इसके बाद हम मध्य पाषाण काल पे चलेंगे। तब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अदर बच्चे भी इस चीज़ को पढ़ें, देखें, समझें, और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। थैंक्स बच्चों, ए लॉट ऑफ थैंक्स।